राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का त्यौहार है और सभी लोग अपने घरों में और आसपास के मंदिरों में शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे और ख़ास तौर पर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि को लेकर हर जगह हर्ष और उल्लास का माहौल छाया हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन कोशिश करिएगा आपके आसपास घर के जो भी शिव जी का मंदिर है शिवलिंग की पूजा जरूर करें, और जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं घर पर पूजा वो किस प्रकार करें, शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग घर पर किस प्रकार बनाकर उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस भी जगह पर पूजा अर्चना कर रहे हैं उस जगह को हम साफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शिव जी का जो परिवार है वो फ़ोटो ले ली है और कुछ पुष्प रखकर उस फोटो को विराजमान कर देंगे, और मैंने मिट्टी से यहाँ पर शिवलिंग बनाए हैं। कुछ पुष्प रखकर जो प्लेट में मैंने शिवलिंग रखे हैं उसको विराजमान कर देंगे। गणेश भगवान को अलग से विराजमान करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो फ़ोटो ली है उसमें गणेश भगवान बने हुए हैं, उनका पूरा परिवार है। और यहाँ पर हम दिया रख लेंगे, और दिया रखने के बाद में हम सभी देवी देवताएँ हमारे विराजमान हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे। हम ये भाव मन में लाते हुए स्नान ध्यान करेंगे और शुद्धिकरण करेंगे। सबसे पहले पूजा में हम दिया जलाएंगे क्योंकि अग्निदेव जो होते हैं हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अग्निदेव का आवाहन करते हुए हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे यानी दीपक जला लेंगे। इसके बाद में हम शिवलिंग का जल अभिषेक करेंगे। तो हमें 3 बार यहाँ पर जल अभिषेक करना है। पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद में आप चाहें कच्चे दूध से, पंचामृत से या गंगा जल से शिव जी का यानी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे, और इस प्रकार से हम शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में, और इसी विधि से आप मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो गणेश भगवान को और शिव जी को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, और शिवलिंग को हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को हम चुनरी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी समर्पित कर सकते हैं, वरना आप कलावा समर्पित करें। इसी प्रकार से हम दीपक को भी वस्त्र समर्पित कर देंगे। अब हम शिवलिंग को, शिव जी को, गणेश भगवान को, कार्तिक महाराज को हम यहाँ पर चंदन का या भस्म का तिलक लगाएंगे, और माता पार्वती को रोली या कुमकुम का तिलक लगाएंगे, और साथ में ही हमें इसी प्रकार दीपक का भी पूजन करना है। तो माता पार्वती को मैं यहाँ पर रोली का तिलक लगा दूंगी, और उसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल हैं वो फूल समर्पित करेंगे क्योंकि शिवरात्रि पर फूल बहुत ही सुंदर सुंदर मिल जाते हैं, और बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र पर मैंने यहाँ पर चंदन लगा लिया है। उसके बाद में इस प्रकार से हमें शिवलिंग पर समर्पित करने हैं, और हम साथ में ही शिव परिवार जो फोटो है उस पर भी हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। भगवान शिव को जो भक्त बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करते हैं। तो महाशिवरात्रि हो या जिस दिन शिव जी का दिन होता है यानी सोमवार, उस दिन आप भगवान शिव को बेलपत्र जरूर समर्पित करें। साथ में ही हम फूल समर्पित कर देंगे, और महाशिवरात्रि वाले दिन आप एक उपाय जरूर करें जो कि हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति देता है। 5 दिए आप जरूर जलाएं जो कि शाम के समय यानी सूर्य अस्त के बाद ही दीपदान का अधिक महत्व होता है, और आप ये दीपक एक तुलसी माता पर, एक आंवले के पेड़ पर, और एक केले के पेड़ पर, शिवलिंग पर, और एक लास्ट जो है समी के पौधे पर, इन पर आप यानी महाशिवरात्रि वाले दिन 5 दीपदान जरूर करें जो कि बहुत बहुत शुभकारी होते हैं और करोड़ों गुना हमें फल की उनकी प्राप्ति होती फूल है। फूल समर्पित करने के बाद में हम यहाँ पर भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में मुख्य जो भोग होता है वो है बेर का भोग लगाया जाता है महाशिवरात्रि वाले दिन, और फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा का खास महत्व होता है, तो आप महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग की पूजा अवश्य कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तरह तरह की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, और इन्हीं में से एक है बेर। बेर का भोग माता पार्वती शिवजी को लगाती थी
क्योंकि अधिकतर कैलाश पर्वत पर बेर के ही वृक्ष थे, इसी कारण से माता पार्वती बेर का भोग लगा। इसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम शिव जी की, गणेश भगवान की, माता पार्वती की आरती करेंगे और आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। और साथ ही पूजा में आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इस प्रकार से हमारी पूजा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। जल का लोटा है वो सूर्यदेव को समर्पित कर देंगे और उसके बाद में जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, दिया शांत होने के बाद में घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। और महाशिवरात्रि वाले दिन जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, सूर्य अस्त के बाद 5 दीपदान आप जरूर कीजिएगा। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, शिवजी और माता पार्वती के विवाह के रूप में उत्सव मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त सच्चे मन से शिव की आराधना करते हैं, उन पर शिवजी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि की पूजा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।